ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है और लगेगा है। भी ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, पर चलो कुछ ना कुछ तो काम आएगा। आज मैं फिर से शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। बेसिकली आज आने वाले हैं मम्मी पापा, बट बेचारे वो लोग ना चक्की मोड़ के पास फंसे, बोल रहे सुबह से इतना तगड़ा जाम लगा है ना वहाँ, उन बेचारों को भी 2 से 3 घंटे हो गए उस जाम में खड़े खड़े, अभी तक वो वहाँ से निकले नहीं है, पहुँच जाएंगे वो भी अराउंड 1.25 घंटे में। बट उस चक्कर में ना वो इतने ज़्यादा लेट हो गए ना कि क्या ही बताए। और आज सोचा था कि आज हम सबको बुलाएंगे अपने घर पर डिनर पर, बुलाया हुआ है सबको, बट ये है कि मम्मा लेट हो गया, अब खाना कौन बनाएगा, तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ यार। कुकिंग तो शुरू कर सकता हूँ, अब देखो फ़ायदा यही हो जाता है, मतलब अगर आपको कुकिंग आती है ना तो टेंशन नहीं रहती है कि कौन बनाएगा कैसे बनाएगा, अब अपने को आता है ना तो मैं बना दूंगा, मुझे पता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो बनाता हूँ छोले, मतलब सफ़ेद चने, और साथ में पनीर, तो ये 2 चीज़ें जो मैंने बनानी है, और साथ ही साथ रोटियां मम्मा ही बना देंगे। बाकी अभी मुझे जब साहिल का फ़ोन आया था तो पहले मैंने ये बताया कि मम्मी पापा को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बोलता भाई मदद तो नहीं चाहिए, हम आ जाते ऊपर। तो अंजू भाभी और साहिल भी आ रहे हैं अभी मेरी मदद करने, हेल्प करने खाना बनाने में, तो अच्छी बात भी है यार, जल्दी जल्दी बन भी जाएगा और जल्दी जल्दी सब फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि शायद कल सब ने फिर वापस शिमला भी निकल जाना है भाई। तो इस चक्कर में आज कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी खाना प्रिपेयर कर सके, सब जल्दी जल्दी खाना खा सके और सब जल्दी जल्दी निकल भी सके। तो सबसे पहले लगता हूँ भाई प्याज काटने, प्याज भी क्या मसाले काटने, प्याज हो गया आपका, लहसुन हो गया आपका, जिंजर हो गया, हरी मिर्च हो गया, ये सब काटता हूँ, उसके बाद तड़का मारेंगे भाई। तो सबसे पहले इस काम पे लगते हैं, फिर मिलते हैं अब आपको बाद में। थैंक यू, आइए जी आइए आइए, शेफ को हम हेल्प कर रहे हैं स्पेशली। थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि आज भाई की हेल्प कराने अकेला थोड़ी भाई करेगा। सही बात है भाई, क्या करें, करना पड़ता है, क्या करें, मम्मी पापा को टाइम लग जाएगा ना यार, वरना तो वो कर देते हैं, तभी आए हम यार, ना तो जरा तो बस कर लेते हैं। क्या खाना पसंद करेगा बोल, जो बोलो भाई, आज तो शेफ उज्ज्वल एंड ध्रुव बेस्ट फ्रेंड्स। सही बात है, तो भाई देखो थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही है, थोड़ी बहुत बाकी है, करते हैं फिर देखते हैं। क्या बात है मम्मी, तेज हो गया तू यार, नहीं कोई नहीं तू काट, मैं तो ये तब तक एक करूंगा। कितना कर दिया अभी आपने, कितने प्याज हो, दो बस, अब 2-3 और कर दो, 3 ही कर दो आज। तो जी अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है भाई, बस तड़का लगाना बाकी है, मसाले पीस दिए गए, भाभी जी ने आलू काट दिए, बस अब सबसे पहले बनाते हैं छोले में तड़का, उसके बाद बनाएंगे पनीर। टाइम 9 बजने वाले, खतरनाक तैयारी हुई है आज, 2 आइटम हो गए, अब लोग ज्यादा है तो भाई मसाले भी ज्यादा लगेंगे। अभी इस टाइम मैं जो पीस रहा हूँ वो है आपके, तो यार माफी चाहूंगा, मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी एकदम से, तो उसकी वजह से भाई फोन एकदम से बंद हो गया, बट यह है कि चलो अपना मैक्सिमम काम हो चुके, मसाले कट चुके हैं, मसाले मैंने सारे के सारे काट दिए, बस तड़का मारना बाकी है, तो बस अब तड़का मारते हैं। अंजू भाभी और साहिल गए अभी नीचे घर पर, क्योंकि उनको अभी सेवियर को खाना देना है ना, और बोल रहे कि हम ना घर बंद करके ही आते, वैसे अभी जो शादी वाले लोग हैं, मतलब जो शादी की शॉपिंग ले, अक्षय भाई वगैरह, वो सारे अभी नीचे ही हैं उसके घर पे, वो मतलब अपनी थोड़ी बहुत टैली कर रहे हैं कि क्या क्या सामान ले लिया है, क्या क्या बचा है, वो सब, तो वो लोग भी आएंगे बाद में। बाकी बुई वगैरह भी बाहर ही है कहीं शॉपिंग करने, तो वो सब आते रहेंगे अब धीरे धीरे करके। तब तक बस मेरा एम ये है कि मैं खाना बना दूं, ताकि लोगों को ये ना हो वेट करना पड़े ज़्यादा, और शायद तब तक मम्मी पापा भी पहुंच सके, उम्मीद तो यही है यार। अब बेचारे वो लोग कब से फंसे, वो लोग मुझे याद है सुबह 11 नहीं तो 12 बजे के निकल चुके हैं, बट टाइम देखो 9 बजने वाले हैं। होता कि बीच में उनको काम था, क्या बोलते हैं, सोलन में उन्होंने गाड़ी चेक करवाई है अपनी, सेंट्रो, उसका काम करवाया थोड़ा, तो थोड़ा टाइम उसमें लगा उनको, बाकी जो अब रिमेनिंग टाइम है वो लग रहा है उनको चक्की मोड़ में। जब अपने को आता है खाना बनाना तो अपन बनाएंगे खाना, आज सबके लिए डिनर मैं बनाऊंगा, तो बस उसकी तैयारी चल रही है, बनाते हैं
और आपको बताते हैं। और सबसे मैं जरूर रिव्यू लेना चाहूंगा कि कैसा बना है वो, मतलब चार चार पांच वो आ जाए ना कटोरी तो काफी है, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए, पूरा डब्बा ही ले आ जाओ। तो अब देखो भाई, भाभी जी को हमने लगा दिया आटा गूंदने के लिए। पहले मम्मी ने मेरे को ये बोला कि आटा मत गूंदियो तो अच्छा नहीं गूंदता है। फिर अभी मम्मी बोलते अंजना से गूंदवा लो, मैं ठीक है जी, मैं क्या पता मैं भाभी जी अच्छा गूंद ले, हम थोड़ा सख्त गूंद लेते यार भाभी जी, थोड़ा मेरे को करना चाहता हूँ भाई। इस लड़की ने फट्टे चक रखे हैं, रोज रोटियां बना रही है। नहीं, सही बात है, इतनी फैमिली हमारी, आपको पता है हमारी फैमिली आसानी है। हाँ। तो जिले के लिए जब रोटियां बना रही है तो बहुत रोटियां। नहीं सही बात है, अभी भी ये बंदी ऊपर आ गई हेल्प कर रही है। सही बात है, ये अप्रिसिएशन है। देखो कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, सही बात है। नहीं, 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 सही बात है। ये मतलब दो तीन दिन से भाभी बेचारे किचन में, तो इनको किचन से बाहर देखा ही नहीं, हम लोग बाहर बैठ के मजे मार रहे थे, बेचारे किचन में काम ही कर रहे थे। सही बात है, वेरी गुड। हमारी मम्मी के बाद बाहर की, मतलब जब आएगी लड़का तो उनको होगा, बट शी इज डूइंग, शी इज तेरी वाली करेगी वो, जब आएगी तब दिख जाएगा। अब अपना मतलब खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मेरे को शक ही होता है भाभी। उज्जवल वाली नहीं बनाएगी, उल्टा बोल रही है। तो बस यार, बस हाँ, अब हम सोच रहे एक दाल एक्स्ट्रा और बना के रखते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है अपने पास, तो ऑलमोस्ट 15 कर लोग है, तो कम हो ही जाएगा। तो एक हम पतली दाल सोच रहे हैं, बेसिकली मलका पतली वाली बना दे, इसमें छोटे वाले में प्याज वाले हाथ आंखों में लग गया, मिर्ची लग रही है। आजा मेरे भाई, आजा आजा। नहीं भाई कोई नहीं दे सकता, ब्लिंकिट वाले तो बातें करते 10 मिनट की, तू तो 2 मिनट में ले आया। मैगी का काम कर गया तू, पूरा गिर गया भाई, इसने स्टॉप वॉच चलाई थी बंदे ने, क्या बात है। नहीं नहीं भाई, थैंक यू भाई। तो बस भाई मलका भी तड़क देते ताकि कम ही ना हो किसी को। हाँ बना दे बना दे। तो जी एक साइड चल रही है यार, मेरे को लग रहा है इसके पीछे ना इसकी पाइप में कबूतर फंसे हुए, क्यों अजीब सी आवाज़ कर रही है। हमने पहली दाल चखने को दे दी अपने टेस्टर भाई को, भाई टेस्ट कर गया बता। कर रहा हूं मैं रिव्यू नहीं चाहूंगा, बस मैं ये जानना चाहूंगा कुछ कमी नहीं है, बस ये बताइयो कुछ है। थोड़ा नमक कम है, एक बार और टेस्ट करके भाई, पहली बारी में कभी हो जाता है। बाकी बस एक साइड साइड बाय साइड बन गया मलका, और यहाँ है पनीर, बीच में पनीर, इस साइड को छोड़ दे। ठीक है भाई, ठीक है, बस हल्का सा नमक चाहिए, नमक डाल दूं बाकी सब कुछ चल ठीक है। अब बारी है पनीर की, अब पनीर मुझे इसमें मुझे लग रहा है कि नमक कम हो सकता है, बाकी तो नहीं भाई, नमक तो बहुत टेस्टी रहा है, मतलब मैं जो इसकी खुशबू है ना वो काफी अच्छी आ रही है। अभी ये उबलने देना पनीर थोड़ा ना, पनीर सबसे नहीं भाई, पनीर में रस तभी आएगा ना, वो टेस्ट तभी आएगा। कैसा है, कुछ कमी थोड़ा सा इसमें बोले, सारी कमी है भाई। ये चखने के लिए उसके लिए रखा है भाई, ये एग्जैक्ट बताता है मुझे, मुझे बता। एक बार और टेस्ट कर 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 यार, तू भाई पूरी कटोरी टेस्ट कर, मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बता देगी भाई, ताकि जो खाने वाले लोग है रिव्यू अच्छा दे दे। लग रहा है थोड़ा नमक और हल्की सी मिर्च, मिर्च कम है, चल ठीक है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मसाला बट होगा नहीं, चीज डाल सकती है क्या? दे दे भाई, दे दे। हां ओके, दे 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 दे। हां ये सॉस, ये इसमें भी डाल दे मलका में, अगर चाहिए मलका में इसमें डाल देंगे। ये है पेरी पेरी सॉस, देख पनीर में डालते मजा आ जाएगा इसको, है ना। मैं तेरे को अभी इसमें डाल के दिखाता हूं, अभी देख। हां इसमें, हां डाल के देख, देख तेरे को डिफरेंस लगता है पता कि नहीं। सही बात है भाई, क्यों नहीं लगता, मजा हो जाएगी। थोड़ा डाल, थोड़ा फर्क तो पड़ा है, पर ये कि इसमें मैं चाहूंगा नमक जरूर डालें, मिर्च की। चल ठीक है, अब कर, अब कर एक बारी। नहीं मेरे मेरे को मत देना, ये पीपी कैसा है? ठीक है, अच्छे बन गया ना, बस ठीक है। थोड़ा पनीर में तो डाल दे, थोड़ा नहीं और डाल भाई, ये इससे कुछ नहीं होगा। हाँ डाल दे भाई। तो जी अपनी दो चीज़ें रेडी हो चुकी है, छोले और पनीर, और कैसे बने वो तो अब आपको बाद में रिव्यू पता ही लग जाएगा। एक नई चीज़ हमने ऐड की है इसमें, पेरी पेरी सॉस। अब इससे जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही हो चुका है, वो क्या अलग हुआ है वो आपको अब बाकियों से रिव्यू जब जानेंगे तब पता लगेगा। बाकी बस अब ये जानना बाकी है कि चावल कितने डाले हैं, और रोटियां भी बनानी शुरू कर दे कि नहीं कर दे, क्योंकि अभी सब बोल रहे हैं हमें टाइम लगने वाला है। वही लग रहा है मुझे, मेरे घर वाले हो गए। ओ अच्छा अच्छा, क्या बात है, मुझे लगा आप लोग टाइम लगेगा है,
आओ जी आओ धोनी वाली लाइट। हाँ धोनी वाली लाइट, धोनी के पास भी है ना ये लाइट। हाँ तभी यहाँ बैग में, बैग में लगती हो, मैग्नेट है ना इसमें, है ना तभी। हाँ क्या है भाई मीठा, क्या बात है मीठा भी है साथ में। बस ठीक है यार, रोनी भैया देखो भाई हमारे फ्रिज के लिए एक लाइट लाए। थैंक यू रोनी भैया, थैंक यू रोनी। सही बात है भाई, आज पहली बार इनको हम स्वागत कर रहे हैं भाई। हाँ जी हाँ, फोकस करो, बड़ा बड़ा लेट कर दिया यार आप लोगों ने यार। कैसे बड़े चमक रहा है भाई, ये लाइट ले 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 लगा ले। फ्रिज बड़ा फ्रिज सुना, सुना लग सुना, रहा है। सही बात है, लाइट रात में अंधेरे में ऐसा होता है, लाइट नहीं पता लगती। कुकिंग कर रहे हैं हम, खाने में थोड़ा नमक ज्यादा डल गया फिर। ध्यान रखने के लिए बनी है चाय, चाय बहुत टेस्टी बनी है, बढ़िया। अब खाने में भी ऐसी देना है, 100 out of 100 है ना। हाँ जी भैया, अच्छा हाँ तिखी है, लग रही है गले में। हाँ सही बात है, गले की बीमारी ठीक हो जाएगी सारी। हाँ वो अच्छा है जी, दवाई तो नहीं खानी भाई, दवाई तो नहीं खानी। देखो भाई हेलो, इतनी अच्छी होनी कि मेरी चाय छीन ली है बिल, ये चाय अच्छा ये ठीक है, चल ठीक है। तो ये देखो जी पूरा परिवार बैठा है, बातें मार रहा है, बढ़िया कुछ ना कुछ डिस्कशन चली है, और हम लोग लगे हैं रोटियां बनाने। आज हमने लिया पूरा जिम्मा भाई, क्या बोलते हैं। सही बात है, अब देखो चावल भी हमने डाल दिए, चावल अपनी रेडी है, दालें तो अपनी रेडी है ही है, बस अब चपाती। सही बात है नहीं, सही बात है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बहुत रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वरना आगे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है। सही बात है, कर रहे हो। तीन वेराइटी बनी आज खाने की, नहीं एक गर्ल ने, गर्ल भी थी हमारे साथ। नहीं इन्होंने मलका की दाल बनाई है, रोटियां इन्होंने बनाई है, आटा इन्होंने बुना है, ये मलका की दाल ये लेके आए, लहसुन इसने काटे है, सर भी ये कर, चार लोगों ने ये पनीर और छोले मेरी पेशकश है तो बताना। तो रिश्तों का वेट है, मतलब रिश्ते कब तक आते हैं। फिर से रिव्यू, बहुत बढ़िया, ये अंजू अभी और कुछ पनीर, अभी पनीर, पनीर पनीर पेंडिंग है। मलके की दाल कौन लेके आपने घर से, साहिल साहिल है तो कैसी बड़ी वो भी बताएंगे, टेस्ट करेंगे ना अभी देख। चलो मासी पनीर कैसा बना है, पक्का जबरदस्त, बहुत ही मासी कहीं सब पनीर दो दो पनीर बोल दो, दोनों चने अभी साहिल, अभी मैंने चने खाए पनीर खाया, दोनों 100 out of 100 उज्ज्वल के खाते में गए। चलो भाई उज्ज्वल के खाते में आए हैं, उज्ज्वल के खाते में 100 out of 100 दो पॉइंट 10 में रेटिंग होती पर 100 में मिली प्लस 1, क्या बात है भाई। आज का डिनर उज्ज्वल और अंजना का, अंजना के खाते में नहीं नहीं चार बंदे, चार हम दोनों को निग्लेक्ट किया जा रहा है भाई, छोड़ यार व्हाट इज दिस, हमें कोई नहीं भगवान देख रहा है, हमने अपना कर्म कर लिया है बस। उज्ज्वल 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 2 साहिल 0 2-0 इज 20 देखो, सिंपल सी बात, 120 ब्लॉगिंग के चक्कर में क्या हो गया देखा, तुमने रेटिंग कम करी ना मेरी, इसलिए हुआ ऐसा। माइनस 1 देना पड़ेगा पनीर आप ऐसे खाते नहीं हो सर, स्टॉक के नंबर मिले उज्ज्वल को, अच्छा नंबर 2 रही अंजना, नंबर 3 शिवम, नंबर 4 पर साहिल, नहीं हम दोनों ही, हम दोनों ही कर रहे हैं, अच्छा हमारी काउंटिंग ही नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ रिकॉर्ड करो, मेरे को 4 पड़ा जो बंदा जरिया दे रहा है भाई
तेरा दुख समझ सकता हूँ भाई, कोई नहीं मैं तेरे को पूरे नंबर दूंगा अपने साथ ही, मेरे साथ टॉप है। ये बनती है बात, ऑस्कर दोनों के हाथ में है बस। सही बात है, देखो ये चिमटा हमारा ऑस्कर है भाई, रोटियां फिर से चल जाएगी। दो मिनट दो मिनट। और भाभी जी क्या हाल चाल? और भाई जी हेलो, आज नए शेफ मिलेंगे आपको। मतलब है, मतलब ओ माय गॉड यंगस्टर्स, किसी ने कल कहा भी था कि अंजना ने कि काश लड़के काम करे, मान गए उज्जवल जाने से पहले एक काम पूरा कर रहा है। उज्जवल के हाथ का डिनर तूने बनाया खाना सारा? सारा नहीं यार, हम यहाँ कब से है भूल जाते हैं यार। अच्छी बात है, अभी मुझे खिला रहे बाद में, मैं खिलाऊंगा शिमला के, मेरे को कभी भी बाल ठीक रहते नहीं है। तो गाइस फाइनली टुडे इज द नेक्स्ट डे, आपको अपनी हेल्थ का अपडेट देता हूँ। तो मतलब काफी ज्यादा बेटर फील कर रहा है, बीच बीच में बस मुझे अब बाकी कुछ नहीं है, फीवर आ रहा है, गला मेरा ठीक हो चुका है, बस ये जो फीवर है बीच बीच में आ रहा है और ये ना मतलब तंग कर रहा है बार बार। कल शाम को मतलब कल रात को बहुत ही बढ़िया रहा है यार, मतलब एक तो जो हम सब जो मतलब हमने सबके लिए डिनर बनाया है, हम चार लोगों ने बेसिकली, हम चार लोगों की टीम थी मैं, मेरा भाई साहिल और अंजना भाभी, और सब इतने ज़्यादा खुश हुए ना, और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया ना भाई जो हमने बनाया था कि खुश हो गया सबने भाई, बड़ी तारीफें और दुआएं दी और बहुत अच्छा लगा कि हमने सबको खिलाया यार। मतलब जनरली वैसे मम्मा ही काम करते हैं, मतलब जब इतने लोग आते हैं तो मम्मा ही खाना प्रिपेयर करते हैं, बट जब हमने कल किया ना तो एक बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग थी कि हमने सबको खिलाया यार, अपनी पूरी फैमिली को खिलाया यार। क्योंकि मैं सच बताऊँ मैंने कभी ऐसी उम्मीद की नहीं थी कि इतने लोगों के लिए कभी खाना बनाऊंगा। मैं बनाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा चार या पांच लोगों के लिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं बनाया मैंने। कल फर्स्ट टाइम था तो जो मैंने इतने लोगों के लिए खाना बनाया और अच्छा भी लगा यार सबका। एक तो लास्ट दिन था यहाँ पर, आज सुबह सारे निकल भी गए वापस शिमला की तरफ। बाकी मैं आपको अपडेट दूँ अपनी मुंबई वाली सिचुएशन का, मतलब जो हमारे ओनर है जो काम करवा रहे थे बेसिकली, उनके जो फादर है वो थोड़े बीमार हो गए थे तो वो हॉस्पिटल में थे उनके साथ, तो उन्होंने हमारे से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, जब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा फिर मैं धीरे धीरे काम करवा लूंगा। तो उन्होंने हमारे से थोड़े दिन का टाइम मांगा है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वैसे ही वो काम करवाना शुरू कर देगा, और वैसे ही जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम वैसे ही निकल जाएंगे भाई। तो वो दिन कभी भी आ सकता है कि मुझे कभी भी निकलना पड़ सकता है भाई मुंबई के लिए, तो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो मैं भी उसी की वेट में यहाँ पर बैठा हूँ यार, वरना शायद हमारे कुछ और प्लान्स भी थे जो हमने एग्जीक्यूट करने थे, जैसे चूड़धार का स्पीच यार, उसकी वजह से वो भी कैंसिल करके बैठा हूँ यार, क्योंकि मुझे अभी यही नहीं पता कि कब मुझे मुंबई निकलना पड़े। तो अभी यहाँ पर आराम से विस्तार से पेशेंस के साथ वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे मुंबई निकलना पड़े। देखो मुंबई में मुझे ऐसा है यार कि मतलब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इस टाइम पर कि मैं ना शिफ्ट कर जाऊँ, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं यार, क्योंकि मुझे ये पता है उसके बाद बस वापस जाके मैंने रहना है और अपना काम करना है, बाकी कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि अभी देखो अभी मैं मुंबई जाऊँगा, सेटल इन होऊंगा, फिर मुझे कुछ टाइम बाद शादी के लिए भी वापस आना पड़ेगा, फिर जब मैंने वापस जाना होगा मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि भाई वापस जाके मुझे अपने लिए घर ढूंढना है ना, या फिर मुझे वही जो प्रोसेस अभी जो मैं करके आया वो ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आराम से विस्तार से बैठा हूँ यार कि बस एक बारी वो फ्लैट का काम सारा निपट जाए ना, उसके बाद आराम से जाकर वहाँ पर अपना घर सेट करूँगा, खुद को सेटल इन करूँगा, फिर उसके बाद जो भी करना होगा ना वो कर लूंगा भाई, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी बस। बाकी इसी के साथ सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रहे हैं, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइज मिलते हैं आपको एक ऐसी व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।